मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान दो युवक नदी में डूब गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसटीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद एक युवक के शव को पानी के बाहर निकाला। वहीं दूसरा युवक अब तक लापता है। मृत युवक की पहचान आकाश कुमार के रूप में की गई है। आपको बता दें कि पिछले दो दिन में 5 लोग पानी में डूब चुके हैं, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हमको डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट से आदेश मिला कि संगम घाट में, कांटी अंचल के संगम घाट में दो बच्चा डूब गया है और टीम को जाना है। हमने तुरंत सीओ साहब से संपर्क किया और गाड़ी मिला, गाड़ी लेकर के माल लोड किया और गोताखोर लेकर के और संगम घाट पर पहुंच गया। टीम के द्वारा गोताखोर को उसके कमेंट को पहना करके पानी में भेजा गया और उन्होंने एक पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी अपना 41वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है, जिसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो बीजेपी का 41वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त मौजूद रहे और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना 41वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में मना रही है और इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े कद्दावर नेता मौजूद रहे। रेणु देवी, इसके साथ साथ नंदकिशोर यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी इस समारोह में मौजूद रहे।